Hi student, welcome to RCI EduHub online classes. Class 11th Science. Subject Zoology. Topic Microbodies. माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म काय इसमें पॉइंट है ग्लाइओक्सिसोम ग्लाइओक्सिसोम इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ग्लाइओक्सिसोम जो होता है इसकी खोज 1961 ईस्वी में की गई। इसके खोजकर्ता बीवर्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1961 के अंदर ग्लाइओक्सिसोम सूक्ष्म काय का इसको खोजा। ये बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है यह है प्रोकैरियोट कोशिका जो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल उनमें एब्सेंट होती है। इसके यूकैरियोट जो कोशिका होती है उसमें पाई जाती है इनमें भी प्लांट सेल्स में। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में भी ऐसी कोशिकाएं जो वसायुक्त होती हैं वसायुक्त कोशिकाएं उन कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में ये उपस्थित रहती हैं। हम कह सकते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें वसा उपस्थित होती है उनमें इनकी बहुल्यता वो अधिक रहती है। ग्लाइओक्सिसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है यानी कि ग्लाइओक्सिसोम जो होता है इसके चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है वो एकल झिल्ली परिबद्ध होता है। एकल झिल्ली से वो परिबद्ध रहता है। इसमें ग्लाइओक्सिलेट चक्र इसमें ग्लाइओक्सिलेट चक्र परिचालित होता है। परिचालित का मतलब इसमें उपस्थित होता है या फिर इसके अंदर पाया जाता है। ग्लाइओक्सिलेट जो चक्र होता है इसके अंदर मुख्य रूप से जो एंजाइम्स होते हैं वो वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं। वसीय जो अम्ल हैं वसीय अम्ल उनको कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स इसमें चेंज करते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं और ये वाला जो चक्र है वो कहलाता है ग्लाइओक्सिलेट चक्र जिसके अंदर वसीय अम्लों से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट जो आता है वो फंक्शंस या फिर कार्य इसका मुख्य जो कार्य होता है वो वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना कार्बोहाइड्रेट में बदलना
ये इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। तो इस प्रकार से माइक्रोबॉडीज जो टॉपिक चला था, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े, स्फीरोसोम, परोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम, वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर मुख्य रूप से इसकी खोज जो है 1961 ईस्वी में खोजकर्ता बीवर्स सूक्ष्म संरचना होती है, जो प्रोकैरियोट में एब्सेंट, यूकैरियोट में उपस्थित होती है, उनमें भी प्लांट सेल्स में, उन प्लांट सेल्स में कोशिकाओं में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, जो कैसी होती है, वसायुक्त होती है। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, इनके अंदर ग्लाइऑक्सीलेट चक्र पाया जाता है जिससे वसीय अम्ल कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होते रहते हैं। इसका मुख्य जो कार्य होता है, वसीय अम्लों को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना होता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो टॉपिक है माइक्रोबॉडीज, वो यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।